नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। जब हौसले घोसले की तरह छिन भिन हो जाते हैं तब दो ही काम होते हैं, या तो पिछवाड़े बिकते हैं या फिर दोनों हाथ ऊपर उठते हैं। पर यहां तो दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, कमी है तो बस देनदार और खरीदार की। आइए देखते हैं ये वीडियो। सारी दुनिया ही से वाचत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। ये अल्लाह तेरे आने से काम मत किसी का बात सब तेरी। अल्लाह जिन चीज़ों से तू नाराज होता है मुझसे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, मुझसे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी वाकई में तौबा करता हूँ। उन्हें मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार मत। मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे, मैं तो टीवी पे नजर आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियाँ बच्चे बूढ़े जवान घरों में बैठे रो रहे हैं, या उनके आंसू तो पक्की से और आंसू तुझे बड़े पसंद। मेरे बाबा फकीरों की तो फिर, गरीबों की तो, बूढ़ों की तो फिर, अपने उन नेक बंदों की तो फिर जो रातों को तुझे याद करते हैं, जिनके दामन गुनाहों से साफ है। ऐसे बंदों से हमारा देश भरा हुआ है, खाली नहीं है यार, लेकिन अक्सर तो हम नाफरमान हैं। या अल्लाह तू हमें माफ कर। ये जो दुआ पढ़ी जा रही है, दरअसल ये दुआ नहीं है बल्कि भीख मांगने का अभ्यास किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में इस तरह हाथ फैलाना और पिछवाड़े को ऊपर उठाकर चांद छाप झंडा दिखा देना आम बात हो गई है। पाकिस्तान का लोंडा पीएम इमरान खान और मगरमच्छ मुल्ला दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे मुल्ला ही 1947 में पाकिस्तान लेकर भागे थे। आज भी यही मुल्ला यहां भीख मांगने के प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। इमरान जैसे फकरू इन्हीं की फैक्ट्री की उज्जवल पैदाइश है। अब अगर किसी को इसमें संदेह नजर आता है तो एक और दुआबाज की महामारी की व्यथा सुन लेते हैं। या अल्लाह, तूने हमें कच्चा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसकी हिफाजत फरमा, उसको अच्छे खैर खाम मुशीर अता फरमा। या अल्लाह, मैं तुझे गवाह बना, मैंने कभी हुकूमतों से कभी एक पैसा नहीं, मैंने अपने दीन को नहीं बेचा मेरे बार। या अल्लाह, मैं अपने अपने कोई मेरे अंदर तकब्बुर ना। ये अकेला तैमंद बाज नहीं है जो अंगीठी पर तसरी रखकर चने भून रहा है। पूरी मुल्ला कौम की यही हालत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नए पाकिस्तान और मदीने की रियासत के नाम पर सारे खेत जोत डाले थे। आज इनका रोना साबित करता है कि तैमंद बाजारों की दुकानों पर नजर के धागे क्यों लटक रहे हैं। इमरान नाम का अलगोजा जो इन्होंने पीछे तक जोर लगाकर बजाया था, आज इनकी उल्टी बजा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,155 हो चुकी है। 237 टोपीबाजों ने खुद को हूरों के हवाले कर दिया है। अस्पताल में दवा नहीं है, पर ऐसे मुल्लाओं की दुआ की दुकानें हर चौराहे पर चल रही है। खुद इमरान खान भी दुआ के लिए राष्ट्र प्रवचन दे रहे हैं। यूं भी ऐसा मुल्ला मुल्क इससे ज्यादा पानी छान भी नहीं सकता, क्योंकि इस देश के अधिकारी जब क्वारंटीन को कटरीना बोलेंगे और सैनिटाइजर को ढंग से नहीं बोल पाएंगे तो इस जमात को जोकर ही कहा जाएगा। आइए सुनते हैं इस पाकिस्तानी आईएएस को। के अलावा डी खान कैटरीना जो क्वारंटाइन सेंटर है किए हैं, 2000 लीटर सेंटराइजर जो हमारे हैं वो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।